बचाना उजड़ गई डाली डाली, आसमां है वीराना जहां है खाली खाली, उड़ू मैं कहां को बताना है मंजिल का। वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग, नहीं सॉरी, आजकल मुझे मिनी ब्लॉग बनाने की आदत हो गई ना, तो मैं भूल गई हूँ ब्लॉगिंग करना। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ देहरादून में, काफ़ी टाइम बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आपने पिछले वीडियोस में मेरा फेयरवेल पार्टी देखा होगा। तो दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है आजकल, इसलिए थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर दूर हूँ और बिज़ी भी हूँ, अपनी स्टडी से सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो आज आई हूँ मैं नया ब्लॉग बनाने काफ़ी टाइम बाद, और ऐसा लग रहा है कि भूल रही हूँ हर चीज़ यार। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होने वाला है, बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने आज पहना है इंडियन वियर सूट काफ़ी टाइम बाद। तो चलो देखते हैं क्या सरप्राइज़ होने वाला है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे हम आए हैं जूस पीने अभी। और अपने ब्लॉग में ये देखो कैसे बोल दिए, तो गाइस जूस पीने के लिए रुके पर जूस वाला ही नहीं है, अभी नहीं डालना पड़ता। तो दोस्तों प्रियंका जूस के मज़े ले रही है और अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जा रहे हैं ना, पूरा मुंह पे लग गया। तो दोस्तों ये मेरी क्यूटी ब्यूटी है, जिसको जो मेरे सारे ब्लॉग्स में दिखती है, आप लोग भी देखते रहते होंगे इसे, ये अपनी शक्ल नहीं दिखाती है। तो गाइस तो गाइस ब्लॉग बनाने का मौका बहुत कम मिल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतनी धूप में फिर भी मैंने थोड़े बहुत कोशिश करी ब्लॉग बनाने की। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे भंडारे में प्रसाद खाने, मंदिर में आए हैं तो भंडारा खाना तो बनता है ना दोस्तों। आसमां है वीराना जहां है खाली खाली, उड़ू मैं कहां को बताना है मंजिल का। हम आए हैं डेकैथलॉन में, वैसे तो एक है नहीं पर आए हैं फिर भी डेकैथलॉन में, है ना। बहुत ज्यादा धूप है गाइस, हम डाट काली मंदिर गए थे वहां से आए अभी, अब जा रहे हैं। गाइस गर्मी से हो गई है तबीयत खराब मेरी, डेकैथलॉन में आप लोगों के लिए सरप्राइज है, भूलना मत। की थीम कितनी अच्छी लग रही है और हम भी आए हैं लेने, हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। अच्छा अच्छा रोंदा बचाना उजड़ गई डाली डाली, आसमां है वीराना जहां है खाली खाली, उड़ू मैं कहां को बताना है मंजिल का। वीडियो बन रहा है अभी, बिल्कुल चाशू फोन लगा के हम आ गए थे मंदिर से थोड़ी देर पहले, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और मैंने आपको कहा था ना कि सरप्राइज़ है। तो दोस्तों सरप्राइज़ के लिए आप ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप थी और टाइम भी नहीं हो पाया और ऐसे ही हुआ। तो गाइस आपके लिए सरप्राइज़, तो वीडियो में बने रहो हमारे सरप्राइज़ के लिए, ठीक है। गाइस बहुत थक चुके हैं गाइस, अब तो चलने का मन भी नहीं हो रहा और साथ में इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। पर भूलो मैं सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ गाइस, सरप्राइज़ मेरे लिए भी सरप्राइज़ है और आपके लिए भी सरप्राइज़ है। ब्लॉग बनाने का ना टाइम ही नहीं हो रहा पता है, एक तो वहाँ पे से हमें पहले तो जब हम मंदिर जा रहे थे आईएसबीटी से डाट काली के लिए, तो पहले हमें वहाँ गाड़ी नहीं मिली, अब वहाँ पे ना गाड़ी नहीं चलती। तो दोस्तों अगर आप लोग भी जाओ आईएसबीटी से डाट काली, तो विक्रम ऑटो वगैरह के भरोसे तो मत रहना, अपनी गाड़ी लेकर ही जाना वहाँ पर, नो तो मैं छोड़ देंगे वहीं और आते वक्त फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। आप ऐसी गलती कृपया ना करें जो गलती हमने कर ली है, ओके गाइस। और अब हम घर से निकल रहे हैं मैं और मेरी दोस्त, और हम जा रहे हैं अपने सरप्राइज वाली डेस्टिनेशन पर, आप ही चलो हमारे साथ ब्लॉग में, मन तो नहीं कर रहा जाने ये थकान लग गई सीरियसली, पर जाना पड़ेगा। गाइस नाउ वी आर अराइविंग महिंद्रा शोरूम, प्रियंका कैसा लग रहा है आपको? गाइस सरप्राइज मिलने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। गाइस भाई की थकान लग चुकी है सीरियसली, वेट करते करते एक घंटा हो चुका है, आप
थोड़े बहुत सरप्राइज का पता तो चल ही गया होगा। थोड़ी देर और हमारे साथ इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी करो हमारे साथ। ठीक है गाइस, देखो हम मिलते हैं अभी गाइस, ओके देखते हैं क्या है सरप्राइज हमारे लिए, मेरे लिए, आपके। मैं वहाँ पर जाऊँ तो फोटो खींचेगी, और ये मेरे को परेशान करिए, फोटो खींचेगी गाइस, इतनी थक गई, मैं समझती ही नहीं है।